शब्दों की बाढ़, वार पलटवार, मैनिफेस्टो पर महा टकराव के बीच कर्नाटक विधानसभा चुनाव का प्रचार थम गया। कर्नाटक में मोदी का दम दिखा, अमित शाह का अग्रेसिव कैंपेन नजर आया, तो वहीं राहुल और प्रियंका ने कांग्रेस के लिए मोर्चा संभाला। सोनिया ने आखिरी वक्त पर कैंपेन में एंट्री ली, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के एक ट्वीट को पार्टी की लीडरशिप से जोड़ा और इसे संप्रभुता पर हमला बता दिया। ये देश इस प्रकार के खेल कभी माफ नहीं कर सकता है। ये फैमिली खुले तौर पर भारत में राजनीति को प्रभावित करने के लिए, विदेशी शक्तियों को दखल देने के लिए उकसाते हैं। कांग्रेस पार्टी मानसिक दिवालियेपन से गुजर रही है। देश का कोई भी बड़ा नेता हो, अगर वो सांसद बनता है, मंत्री बनता है, तो वो क्या कहता है? I owe my allegiance and I bear true faith to the integrity of India and the sovereignty of India. और इनको मैं अक्षुण रखूंगा, भारत की संप्रभुता को मैं अक्षुण रखूंगा, ये शपथ लेकर के आते हैं। और यहाँ कर्नाटक के की संप्रभुता के सवाल उठाना, ये उनके मानसिक दिवालियेपन का और वोट का लालच और जनता को गुमराह करने का एक क्लासिक एग्जांपल है। प्रधानमंत्री तो ये भी कह चुके हैं कि कांग्रेस की लीडरशिप पर टुकड़े टुकड़े गैंग का असर हो चुका है। कांग्रेस जो कह रही है, इसका मतलब है कि कांग्रेस कर्नाटका को भारत से अलग मानती है। क्या आपको मंजूर है ये बात? आपको मंजूर है? टुकड़े टुकड़े गैंग की बीमारी कांग्रेस में इतनी ऊपर तक पहुंच जाएगी, मैंने कभी सोचा तक नहीं था। बीजेपी के इस अग्रेसिव अटैक पर कांग्रेस ने भी जवाब दिया। पहले प्रियंका और फिर कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने संप्रभुता वाले स्टेटमेंट को डिफेंड किया। हालांकि कांग्रेस लीडरशिप के संप्रभुता वाले बयान को बीजेपी ने चुनाव आयोग तक पहुंचा दिया। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग में शिकायत की, सोनिया से माफी की मांग की और चुनाव आयोग से कहा कि कड़ा एक्शन हो। मुद्दा कांग्रेस के रजिस्ट्रेशन को रिव्यू करने तक पहुंच गया। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो शब्द राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए इस्तेमाल होता है, संप्रभुता जो एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, उसका प्रयोग कर्नाटक के लिए करके देश के संविधान का अपमान किया है, संविधान की आत्मा का अपमान किया है, लोकतंत्र का अपमान किया है। उन्हें सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। चुनाव आयोग जो है वो इनकी रजिस्ट्रेशन जो है उसको रिवोक करे। कैंडिडेट्स और पार्टी का प्रचार जनता तक पहुंचा है। कर्नाटक के लोगों के लिए क्या मुद्दे जरूरी है, किन बातों को ध्यान में रखकर वोट पड़ेगा, इसे लेकर पार्टी अलग अलग दावे कर रही है। अपनी अपनी जीत की बातें हो रही है, लेकिन अब 13 तारीख को पूरी तस्वीर साफ होने वाली है।